मैं बहुत खुश हूं। तीन बार के रहे महामंत्री, पूरा 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 राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए, भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम करेंगे। उनके समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि जो भजनलाल शर्मा, उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है, अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे तीन लोगों ने और समर्थन कर दिया। सीनियर की अवहेलना नहीं हुई लगता आपको? सीनियर क्या होता है राजनीति में, सीनियर जूनियर जो अनुभवी है। सर आपका भी नाम सामने आ रहा था कि आप भी मुख्यमंत्री। मैं तो नहीं बना ना। इस तरह से डॉक्टर साहब, इस तरह से आप सर, सर आप वोट सेरेमनी कब होगी सर? कुछ पता है वोट सेरेमनी कब होगी? वोट सेरेमनी कब होने वाला है? शपथ ग्रहण कब होने वाला है? क्रोड़ी लाल, क्रोड़ी लाल। डॉक्टर साहब इस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को लेकर के मुख्यमंत्री बनाया, वही मध्य प्रदेश में ओबीसी से बना दिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर डॉक्टर साहब, आप देखिए पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री मिला है भजनलाल शर्मा, पूर्वी राजस्थान से आता है, आप भी वहीं से जो आप तो ऐसा लगता है। हम कोई क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहते, लेकिन मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं भी वहां का रहने वाला हूं और एक अनुभवी व्यक्ति को जो तीन बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात। सर अब सुनने में आ रहा है कि संगठन में उन्होंने 20 साल से काम किया, अब आपको भी जो है मंत्रालय मिलने वाला है, सर ये बात सही है? नहीं, मेरे को कोई पता नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था मैं मुख्यमंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ और अब कह के जा रहा हूँ मंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ। आपके नाम की चर्चा बहुत ही, आप मेरे नाम में चर्चा ज्यादा चलती है, मेरे नाम की चर्चा ही चर्चा चलती रहती है। लेकिन क्या ये दिखावे की खुशी तो नहीं है? नहीं नहीं, दिखावे आप देख सकते हो, ये दिखावे की खुशी है क्या? ये तो अंतर्मन से खुशी निकल रही है। किरोड़ी लाल मीना है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब जो है वो मुख्यमंत्री मिल गया है राजस्थान को, बिल्कुल मिल गया, तो अब आप देते अगला कदम क्या होगा, कब मंत्रालय बन जाएगा? तो मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, राजनाथ सिंह जी का पर्यवेक्षक बता सकते हैं, मैं तो वही बता सकता था कि एक सरप्राइज मिलेगा राजस्थान को, तो सरप्राइज मिल गया। डॉक्टर साहब क्या आपने बताइए कि मंत्रिमंडल में कौन सा, एक दलित है एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ राजपूत है, पूरा जाति को भी साधने का काम किया इस पूरे मामले में? हमारे जाति को साधने की आवश्यकता नहीं, हमारे से सबसे बड़ा चेहरा 36 कौम का नरेंद्र मोदी है, उनके नाम पर हम चुनाव तीनों स्टेट में जीते, देश में दो बार जीत गए, 2024 में जीते। भ्रष्टाचार पर बहुत मुकर है डॉक्टर साहब, अब भी रहूंगा, पर आप देखिए डॉक्टर साहब भ्रष्टाचार की लड़ाई अब भी लड़ूंगा, कई मुकदमे ईडी से लेकर कई जगह आपने शिकायत करी थी, मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कार्रवाई की जाए। अब एसीबी आपके पास में होगी, भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आपकी राय क्या है फैसले पर? मैंने आपको कहा था, आपने कहा था, मैंने पूरा मीडिया को कहा है कि फैसला सरप्राइजिंग हुआ। आपने एबीपी न्यूज से कहा था चौंकाने वाला होगा, सभी को कहा था, मैं चौंकाने विशेष आपको तो कहा ही था कि दुनिया चौंक जाएगी, जो चौंकने वाला फैसला है। बाबा आप तो भविष्यवाणी करने लगे, जो मैं भविष्य, बिना भी भविष्यवक्ता होते हैं।